फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप लोगों को एक नई जगह पे घुमाने वाली हूँ, वो है टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन जो है वो काफ़ी मतलब फेमस है, ये वर्ल्ड फेमस ट्रेन है। और ये ट्रेन जो है ना, अंग्रेजों के ज़माने में ही बनाई गई थी। ये ट्रेन जो है अंग्रेजों की देन है, लेकिन हम लोग बस सोचते थे, मतलब पढ़े हैं कि ये टॉय ट्रेन है, लेकिन ये है क्या, हम लोग कभी देखे नहीं है और बस किताबों में पढ़े थे। तो पहली बार हम लोग ने टॉय ट्रेन पे सफ़र किया। ये कहाँ पे है, मतलब साउथ में है, दक्षिण भारत जो तमिलनाडु स्टेट है ना, वहाँ पे आपको एक कोयम्बटूर जगह है जिसपे मैंने कल वीडियो बनाया था टी गार्डन के बारे में। तो वहीं के आसपास एक जगह है कुन्नूर, कुन्नूर रेलवे स्टेशन है, वहीं से ये टॉय ट्रेन जो है वो मैक्सिमम उसका वहीं से जाती है। और एक दूसरी जगह है, वो जगह का मुझे नाम याद नहीं है, मतलब वहीं का उतना ही दूर वो मतलब ट्रैवल करती है और कहीं पे नहीं जाती। उसका ट्रैक बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल ट्रेन से, और नॉर्मल ट्रेन से वो टॉय ट्रेन जो है वो बिल्कुल अलग है। और वही रूट है जहाँ पे वो जाती है, और बहुत सारे पहाड़ों वाड़ों से होकर वो ट्रेन जो है गुजरती है। और बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत लोग जो है टॉय ट्रेन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उस पर चढ़ते हैं और उसका सफ़र लेते हैं, मतलब उसके सफ़र का आनंद लेते हैं। बहुत सारी मूवी जो है ना, उस पर जो गाना बना है उसी मतलब टॉय ट्रेन पे शूट किया गया है। बहुत ही फेमस जगह है वो। तो आज हम लोग उसी के ट्रेन की सफ़र करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, टॉय ट्रेन का सफ़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए पहुंच गए हम लोग कुन्नूर स्टेशन, और यही टॉय ट्रेन है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए, यही स्टेशन है, और ये जो है उसकी बोगी है। देखिए कितनी छोटी है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल टॉय जैसी ही लग रही है। और इसका जो लंबाई होता है ना, वो ज़्यादा नहीं होता है, जो नॉर्मल आजकल की ट्रेन होती है वो काफ़ी लंबी लंबी होती है। और ये देखिए इसकी पटरी है, वो भी देखिए बिल्कुल अलग तरह की है। और ये देखिए, ये आ रही है एक ट्रेन अभी, और यहीं पर रुकती है और यहाँ से खुलती है। मतलब इसका जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है, मतलब दो ही तीन स्टेशन पर रुकती है, ज़्यादा जगह रुकती नहीं है। और ये देखिए, ये मेन स्टेशन है, यहीं से ये खुलती है। तो हम लोग भी आ गए हैं देखने के लिए, लेकिन संजोग बस यहाँ से जो है हम लोगों को ट्रेन मिल गई थी। ऑनलाइन तो नहीं मिल रहा था, ऑनलाइन ऑफलाइन भी टिकट मिल जाता है, लेकिन ऑनलाइन नहीं मिला। लेकिन हम लोग काउंटर पे जाकर बात किए तो हम लोगों को टिकट मिल गया। और देखिए एक ट्रेन यहाँ से खुलती है, तो यहीं से अप डाउन ट्रेन करते रहती है, मतलब रेगुलर इंटरवल पर, और ज़्यादा दूरी ट्रेन नहीं तय करती है, 3-4 घंटा जो है ट्रैवल करती है। और देखिए ये कुन्नूर जगह है जो तमिलनाडु में है, और ये कोयम्बटूर जो है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे है। और देखिए इधर से ये जो स्टेशन है वो भी काफ़ी छोटा है, मतलब पहले ज़माने का ही स्टेशन है, ज़्यादा तामझाम वाला स्टेशन नहीं है और ना कोई ये होता है, और टीटी वगैरह भी ज़्यादा नहीं यहाँ पे घूमते हैं। देखिए यही दो है, और ये देखिए अभी सब देखिए ट्रेन पे बहुत लोग जो है बस केवल बैठने के लिए ही आते हैं। ये जनरल बोगी है और इसमें भी जनरल एसी सब होता है। और देखिए ये जो होता है ना, वो चेयर जैसा ही रहता है। और ये देखिए इधर जो है वो टिकट काउंटर है, लोग वेटिंग रूम है, छोटा सा वेटिंग हॉल, वहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। और इधर एक छोटा सा शॉप है, कुछ सामान वगैरह मिलता है। और इधर टिकट काउंटर है जो भी, मतलब बहुत छोटा सा ही है। देखिए इधर एक ही टिकट काउंटर है शायद, या फिर दो है, मुझे ये मैं अंदर गई नहीं थी। और ये देखिए नीलगिरी पहाड़ी रेलवे कुन्नूर, ये जो जगह पूरा है ना, वो पूरा पहाड़ी एरिया है। और नीलगिरी की पहाड़ी और नीलगिरी का जंगल वो वर्ल्ड फेमस है, वो भी यहीं के आसपास है, और वहीं से होते हुए ये जो है ट्रेन क्रॉस करती है। और नीलगिरी का जो जंगल है वहाँ पर भी हम लोग गए थे, और पहाड़ी पर भी गए थे, उसका भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। और ये देखिए हम लोगों को ट्रेन का टिकट मिल गया था वो काउंटर से, तो हम लोग ले लिए थे। हम लोग तो बस देखने के लिए आए थे कि कैसा टॉय ट्रेन है, कैसा इसका स्टेशन है, पर संजोग बस मिल गया और यहीं से मिल गया। और हम लोगों को यहीं जहाँ पे ट्रेन ये रुकती है वही स्टेशन पे जाना था, तो हम लोग भी टिकट लेकर बैठ गए हैं दोस्तों। और अभी देखिए हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, और देखिए टॉय ट्रेन जो है स्टार्ट हो गई। और जो देखिए स्टार्ट होते ही ये इतना धुआँ छोड़ती है, एक्चुअली ये भाप इंजन से चलती है, स्टीम इंजन, पानी इंजन में इसका डाला जाता है, बॉयलर शायद लगा हुआ रहता है, और भाप जो है बाहर निकलता है, पानी गर्म होती है वही एनर्जी पैदा करती है, उसी से ये चलती है देखिए। और उसके बाद ये इतना धुआं जो है पैदा करती है। और ये देखिए ये अंदर का बोगी है, ये चेयर वाला जैसा है, जो जनरल बोगी जैसे होता है वैसे ही है, लोकल ट्रेन का जैसा, और टू सीटर ही रहता है, और सीट नंबर भी दिया हुआ रहता है,
तो देखिए इस तरह से ये ट्रेन है और अभी हम लोग चलते हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा है और इतना धुआं निकलता है यहाँ से, मतलब इसका आवाज़ भी बहुत जो है दूसरे तरीके से है, बहुत आवाज़ करता है ये ट्रेन, पूरा पूरा जो है आवाज़ करते जाता है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये ट्रेन है ज़्यादा लंबी, मुश्किल से 5 या 6 बोगी होती है मैक्सिमम। देखिए लंबाई जो आप देख सकते हैं बस यही लंबाई है ट्रेन की। और इस ट्रेन पे जो है बहुत सारी मूवी के जो गाने हैं उसकी शूटिंग हुई है, बहुत सारे गाने की शूटिंग यहाँ पे हुई है और इस पे मतलब बहुत सारे फिल्मों में शूटिंग भी इधर जो है होती है। ऊटी तो बहुत ही फेमस है और ये देखिए उसके आसपास का है। और बार भी देखिए बैठी हुई है लेकिन इसको भूख लग गया है। और ये देखिए बहुत सारे लोग हैं और ये देखिए एक बोगी जो है इतना ही बड़ा है, इससे बड़ा बोगी नहीं है। मैक्सिमम जो है वो 60-70 लोगों का बैठने का कैपेसिटी है। और ये देखिए आगे इंजन है, हम लोगों को इंजन के बगल में ही मिल गया था। और ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है, वो सब धुआं मतलब ये वाला धुआं नहीं है, भाप वाला धुआं है, पानी का जो भाप बनकर निकलता है ना उसी से ये इंजन चलती है और ट्रेन को खींचती है। और इसका स्पीड भी एवरेज ही है, ज़्यादा स्पीड भी नहीं रहता है क्योंकि ट्रेन सभी जंगल से हम लोग गुजर रहे हैं, उससे जंगल है बीच में आपको काफ़ी मिलेगा, यहाँ से होकर भी गुजरती है। ये देखिए ये लंबाई आप देख रहे हैं, बस इतनी ही लंबी ये ट्रेन है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं और टॉय ट्रेन का सफ़र करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 ही है। देखिए कुछ लोग जो है मतलब ये तो लगेज रखने के लिए भी कुछ नहीं बनाया, आप देख सकते हैं जो भी लगेज आपके पास है तो आप कहीं नीचे ही रखिए, ऐसा बना तो नहीं रखता है ज़्यादा लगेज के कभी यहाँ पर कैरी भी नहीं करते क्योंकि कुछ टाइम से ज़्यादा ट्रैवल करती नहीं है, बहुत लोग शौक़ से ही आते हैं यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। और ये पहाड़ी जो दिख रहा है वही नीलगिरी की पहाड़ी है और नीलगिरी का जंगल है इधर, उसी से होकर क्रॉस करती है। तो यहाँ पे देखिए ये तो जो है इधर का नज़ारा जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खुशनुमा है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं सफ़र करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी ये गुफा देखिए आ गया बिल्कुल इतना लंबा सा और कुछ नहीं दिखता है अंदर, बिल्कुल अंधेरा था फिर भी हम लोग इसको शूट कर रहे थे, हर कोई शूट कर रहा था। तो अभी देखिए इधर आ गए हैं और ये देखिए अभी पूरा जंगल है और ये पूरा गड्ढा है, मतलब पूरा पहाड़ है या तो फिर गड्ढा है। तो अभी इसी से होकर जाते हैं और देखिए ट्रैक भी बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने का ही बना हुआ ये ट्रेन है और ये मतलब वर्ल्ड फेमस है, बहुत दूर दूर से इसे लोग देखने के लिए आते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और ये देखिए इधर टी गार्डन है यहाँ से जो दिख रहा है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पहाड़ है वहाँ पे टी गार्डन जो है वो बनाया गया है। ये कोई गवर्नमेंट का भी होता है शायद और कोई प्राइवेट लोगों का भी होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी टी गार्डन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए यहाँ से मतलब पहाड़ से पूरा एक झरना टाइप का गिर रहा है, वाटरफॉल है ये छोटा सा और ये कहीं ऊपर से ही आ रहा है। और बीच बीच में ऐसा वाटरफॉल बहुत सारा था और बहुत सारी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी एक स्टेशन आ गया है जहाँ पे हम लोग रुक गए हैं। और ये देखिए जो इंजन है वो कितना सारा धुआं जो है फेंक रहा है। और यहाँ पर ना बीच में रुक कर जो है पानी जो है वो टैंक जो है फिल करता है और जो भी कुछ है वो मैकेनिक लोग चेक करता है सब चीज़ सही है या नहीं। ये स्टेशन का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ था। तो अभी रुकी है ट्रेन और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बेचने बेचने वाला जो है खाने पीने का वैसा कुछ सामान ज़्यादा रहता नहीं है। तो क्योंकि ये ट्रेन जो है 3-4 घंटे ही चलती है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती नहीं है, इसलिए वैसा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए ट्रेन जगह का नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा। और ये देखिए अभी पानी जो है वो भर रहा है टैंक में, देखिए वहाँ पे पूरा बहुत बड़ा जो है लगा हुआ है पाइप जैसा, उसी से पानी जो है पूरा फुल करता है। नहीं तो अगर पानी जो है घर कहीं ख़त्म हो जाएगा तो जो बंद हो जाएगा। तो अभी फुल करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग निकल रहे हैं। देखिए यही जो है पहाड़ी है पूरा, इस पहाड़ी पर भी हम लोग गए थे। तो फ्रेंड्स अभी आपको टॉय ट्रेन का आवाज़ सुनाते हैं।
फ्रेंड्स ये इसी तरह से आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा इसमें साउंड का। फ्रेंड्स अभी इधर से निकलते हैं और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बस देखिए, और ये ज़्यादा दूर करती नहीं है तो यहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ेंगे हम लोग निकलेंगे। और चूँकि अभी शाम होने वाली है, ट्रेन पकड़े थे तो 3-4 बजा था और पहुँचे थे उनके 7 के आसपास हो जाता है, क्योंकि 4-5 घंटा ये ट्रेन ट्रैवल करती है और स्पीड भी ज़्यादा नहीं होता है, मतलब नॉर्मल स्पीड से ही चलती है। और ये देखिए अंदर का सीन है और हम लोग पहुँच गए हैं अभी अपना स्टेशन पे, और शाम हो चुकी थी तो ज़्यादा भी रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स ये टॉय ट्रेन का सफ़र है और बहुत दिनों से सब लोग बोल रहे थे टॉय ट्रेन का सफ़र करेंगे, तो संजोग बस हम लोग भी मतलब मिल गया संजोग से ही और इसको सफ़र किए इस पर। और देखिए इधर जंगल है, बस जंगल से ही होकर ये क्रॉस करती है ट्रेन। और यहाँ देखिए अब नॉर्मल जगह, और अब ये देखिए धीरे धीरे पहाड़ जो है वो ख़त्म होने लगा है और नॉर्मल जगह पे हम लोग आने लगे हैं जहाँ पे फ्लैट सरफेस है। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का टॉय ट्रेन का सफ़र। और देखिए अब देखो ये जो अलग तरह का यहाँ पे एक पेड़ रहता है बम्बू टाइप का, जिसको घर भर में लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुँच गए हैं अपने स्टेशन पर और यहीं से हम लोग दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी टॉय ट्रेन का सफ़र हम लोगों का ख़त्म हो गया था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड बाय बाय।